आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल DIY Repairs में आपका फिर से स्वागत है। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम न केवल ऑटोक्लेव को ठीक करेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स उपयोग किए जाते हैं। ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जो इसके चैम्बर में रखा सामान को बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि बीजाणुओं को मारने के लिए भाप और दबाव का उपयोग करती है। ऑटोक्लेव उचित समय के लिए एक निश्चित तापमान पर चीजों को गर्म करके उन्हें जीवाणु रहित करता है। ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जो चैम्बर के अंदर सामग्री को जीवाणु रहित करने के लिए भाप को उच्च दबाव पर रखता है। उच्च दबाव पानी के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक को बढ़ाता है, जिससे अधिक तापमान पर स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक प्रेशर कुकर की तरह। पानी आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता है पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है। इसी तरह उच्च दबाव ऊष्मा को अधिक तेजी से सामान में गहराई तक प्रवेश करने में मदद करता है, जबकि भाप की नमी प्रोटीन को जमा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोबियल फंक्शन और गतिविधि का अपरिवर्तनीय नुकसान होता है। आमतौर पर चिकित्सा उपकरण और सामग्री को 30 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI दबाव पर स्टरलाइज किया जाता है। अगर हमें जल्दी स्टरलाइज करना है, जैसे कि 5 मिनट में, तो हमें प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का उपयोग करके दबाव को 30 PSI तक बढ़ाना होगा। 30 PSI दबाव पर पानी का तापमान 134 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चलिए अब ऑटोक्लेव के पार्ट्स को देख लेते हैं। यह रबर सील है जो ढक्कन और हीटिंग चैम्बर को एयर टाइट रखता है। यह प्रेशर चैम्बर है। इसी प्रेशर चैम्बर में हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ रहता है। हीटिंग एलिमेंट का काम है पानी को गर्म करके वाष्प बनाना। ऑटोक्लेव के ढक्कन पर एक प्रेशर गेज मौजूद होता है, जो स्टरलाइजेशन के दौरान ऑटोक्लेव में बनने वाले प्रेशर को दिखाता है। प्रेशर गेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑटोक्लेव की सुरक्षा और काम करने की स्थिति को सुनिश्चित करता है। ऑटोक्लेव के ढक्कन पर प्रेशर कुकर की तरह एक सीटी लगी होती है। इसे प्रेशर रिलीजिंग यूनिट भी कहा जाता है। सीटी स्वचालित रूप से एक निश्चित मात्रा में भाप छोड़कर चैम्बर के अंदर दबाव को नियंत्रित करती है। यह प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है। चैम्बर के अंदर का दबाव इसी वाल्व द्वारा सेट किया जाता है। आमतौर पर इसे 15 PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पर सेट किया जाता है। यह पानी के अंदर बाहर जाने के लिए वाल्व है। यह वाष्प या भाप निकास वाल्व है। यह स्टैंड है जिस पर स्टरलाइज करने के लिए सामान को रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस ऑटोक्लेव में हीटिंग एलिमेंट टूटा हुआ है। ऑटोक्लेव में सबसे ज्यादा हीटिंग एलिमेंट ही खराब होता है। हीटिंग एलिमेंट ज्यादातर कम पानी या बिना पानी के ऑटोक्लेव को चलाने के कारण खराब होता है। तो चलिए हीटिंग एलिमेंट को बदलते हैं। हीटिंग एलिमेंट को बदलने के लिए पहले इस बॉक्स को खोलें। इस बॉक्स में पावर इंडिकेटर भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हीटिंग एलिमेंट को पावर सप्लाई दिया गया है। पावर कॉर्ड के तारों को हीटिंग एलिमेंट से खोल लें। अब प्लायर्स की मदद से हीटिंग एलिमेंट को खोल लें। यह डबल रॉड का हीटिंग एलिमेंट है। यह किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान में जहां गीजर इत्यादि का सामान मिलता है, वहां आसानी से हीटिंग एलिमेंट मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसकी कीमत 1200 से 1500 रुपए के बीच है। यह हीटिंग एलिमेंट 3 किलोवाट या 3000 वाट का है। नया हीटिंग एलिमेंट लगाने से पहले ऑटोक्लेव के बेस में जहाँ हीटिंग एलिमेंट कसाता है, वहां जमे कॉपर सल्फेट को साफ कर लें। मल्टीमीटर से नया हीटिंग एलिमेंट को चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट का दोनों रॉड करीब 62 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है और हीटिंग रॉड के बॉडी के साथ कोई कंटिन्यूटी भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है नया हीटिंग रॉड ठीक है। आइए हीटिंग रॉड के गुना पर प्लम्बर टेप लगाकर
ऑटोक्लेव में कस लेते हैं। तारों को हीटिंग रॉड से कनेक्ट करने से पहले ऑटोक्लेव के चैम्बर में पानी डालकर लीकेज चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि लीकेज नहीं है। आइए अब तारों को हीटिंग एलिमेंट में जोड़ लेते हैं। पावर कॉर्ड के लाल और काला जो क्रमशः लाइव और न्यूट्रल तार हैं, मैं पहले इंडिकेटर के दोनों तारों में से एक को लाल के साथ तथा दूसरे को काला के साथ जोड़कर हीटिंग एलिमेंट के दोनों रॉड के एक सिरे में लाल तार तथा दूसरे सिरे में काला तार जोड़ दें। हरा तार जो अर्थ वायर है उसको हीटिंग एलिमेंट के बॉडी में जोड़ दें। अब बाहरी कवर को लगा दें। आइए पावर देकर चेक कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए टेस्टर से ऑटोक्लेव के बॉडी में कोई करंट आ रहा है या नहीं को चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो रहा है। आइए अब ऑटोक्लेव में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से भरा ड्रम रखकर चेक कर लेते हैं। पाँच मिनट के पश्चात आप देख सकते हैं कि ऑटोक्लेव के चैम्बर में प्रेशर बनने लगा है। जैसे ही प्रेशर 15 PSI से आगे बढ़ा, प्रेशर कंट्रोलर वाल्व खुल गया, जिसकी वजह से चैम्बर का प्रेशर 15 PSI पर स्थिर बना रहेगा।